गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं क्लास एट्थ का जो सिक्स चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर, उसकी एक्सरसाइज 6.3 जो एक्सरसाइज है हमारी, उसका क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है उसका सिक्स पार्ट इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आप लोग ध्यान से देखना, जो सिक्स पार्ट है वो है 9604। तो हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या रखा है। कह रहे हैं फाइंड दी को स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इनका क्या स्क्वायर रूट निकालना है और कौन से मेथड से निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। तो मैं हर पार्ट की अलग वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखना, हर वीडियो की अलग बना रहा हूँ और इससे आपकी जो वीडियो है बहुत लेंथी नहीं बनेगी। तो फैक्टर जो प्राइम फैक्टर हमारे निकलते हैं वो ऐसे करके हमें निकालने पड़ते हैं, और प्राइम नंबर से हम स्टार्ट करेंगे जो स्मॉल प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो चैप्टर सबसे जो स्मॉल प्राइम नंबर है हमारा 2 है, तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 2 ये देखो 2 के टेबल में ये कितनी बार कटेगा हमारा, तो 2 4 जा 8, यहाँ 1 बचा और ये 16 हो गया, और 16 के बाद 2 8 जा 16, और उसके बाद 0 आ जाएगा, फिर 2 2 जा 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से 2 के टेबल में हम इसे काटेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 0 और 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब ये जो नंबर है हमारा, ये 2 के टेबल में नहीं जाएगा किसी भी हाल में, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 1 आ रहा है। तो ये नंबर हम देखेंगे किस टेबल में आता है, ये 3 के टेबल में कैसे चेक करेंगे, जाता नहीं जाता, इसको ऐड करेंगे 2 4 जा 8 8 प्लस 1 9। ठीक है, 2 तो ये 3 के टेबल में भी आपका जा सकता है, तो हम इसको 3 के टेबल में काटते हैं क्योंकि हमें स्मॉल नंबर से लेना है। मैं चेक करता हूँ, 2 4 4 प्लस 6 4 प्लस 2 6 प्लस 7, ओके हाँ 3 के टेबल में नहीं जाएगा, क्योंकि जो ठीक है 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर इन नंबर को ऐड करें और हम देखें अगर 3 के टेबल में डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो ये नंबर 3 के टेबल में डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो ये 5 के टेबल में नहीं जाएगा, ये 6 के टेबल में, 6 तो प्राइम नंबर ही नहीं है, उसके बाद 7 के टेबल में ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 7 हमारा 3 जा कितना होता है, 7 से 21 यहाँ 24 है, तो हमारा यहाँ पर बचता है कितना, 24 में से 21 गया तो 3 बच जाता है। ठीक है, तो 3 जो 30 हो जाता है, 7 4 जो 28 होता है, अब 30 है यहाँ पर, 30 में से हमने 28 कर रहा 2 बचा, फिर ये 21 हो जाता है, तो 7 3 जा 21। ठीक है, कहने का मतलब है कि हमें इस नंबर को डिवाइड करना है 7 से, और ये नंबर पूरा डिवाइड होना चाहिए 7 से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर से 7 के टेबल में जाएगा ये। ठीक है, तो 7 जा और 7 के टेबल में कितनी बार जाएगा, 7 4 जा 28, और माइनस करेंगे 6 बच जाएगा, 6 तो ये 3 हो जाएगा 63, और 7 9 जा 63 हमारा हो जाएगा। ठीक है, फिर 7 के टेबल में 7 7 जा 49, फिर 7 के टेबल में 7 1 जा 7। तो इसका हमें क्या निकालना था, हमें स्क्वायर रूट निकालना था, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे 9604 इक्वल टू, ये अंडर रूट का साइन ऐसे आ जाएगा, और ये कॉपी जाएंगे, 2 कितनी बार है, 2 × 2 है, और 7 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार हम 7 को कॉपी कर लेंगे ऐसे करके। ठीक है, अब हम यहाँ क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे दो दो के, क्योंकि स्क्वायर रूट है, तो यहाँ 2 में से एक पेयर बाहर नंबर बाहर आ जाएगा, यहाँ 2 में से एक नंबर बाहर आ जाएगा, यहाँ 2 में से एक नंबर बाहर आ जाएगा। ठीक है, इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसे कि 7 7 जा 49 और 49 2 जा जो हमारा आएगा 98। ठीक है, तो इसका मतलब जो स्क्वायर रूट आएगा इस नंबर का वो क्या आएगा, 98 आएगा। तो ऐसे करके आपको हर क्वेश्चन करना है, और आपको इस चीज़ में ध्यान देनी है, इसकी कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, अगर कैलकुलेशन अच्छी होगी तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लास्ट में सर्कुलर आइकन आता है, आप उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ जो 7th पार्ट है, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, टेक केयर।